रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने मध्य प्रदेश आवश्यकता वस्तु अधिनियम के तहत जब्त शुदा वाहनों के एवज में समतुल्य राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की है। उन्होंने जब्त शुदा वाहनों द्वारा अवैध परिवहन करते हुए सामग्री के एवज में कुल 1,44,89,421 रुपए की राशि अधिरोपित की है। कलेक्टर एवं जिला दंडकारी द्वारा धनंजय कुमार पांडे निवासी मिर्जापुर के जब्त शुदा वाहन के एवज में 5,67,450 रुपए, अशोक जायसवाल निवासी बरौली ठकुरान जवा के वाहन के एवज में 96,000 रुपए, राजीत राम निवासी बरौहा तिवारीपुर के वाहन के एवज में 1,00,000 रुपए, विशंबर प्रसाद गुप्ता निवासी हनुमना एवं मुकेश साहू निवासी चितरंगी सीधी के वाहन एवज में 4,89,119 रुपए तथा राम सजीवन गुप्ता निवासी डेकहा रीवा के वाहन के एवज में 1,30,200 रुपए अर्थदंड की राशि अधिरोपित की है। इसी प्रकार राजपाल सिंह निवासी दामोदर मऊगंज एवं प्रताप इंफ्रा बेल्ट प्राली द्वारा बल्स जोशी निवासी पानीपत हरियाणा के जब्त शुदा वाहन के एवज में 1,67,819 रुपए, श्याम जी शुक्ला एवं रामचंद सिंह तथा अशोक कुमार गुप्ता निवासी हनुमना के वाहन एवज में 96,000 रुपए, अनिल विश्वकर्मा निवासी मिर्जापुर एवं रामश्रेष्ठ निवासी लालगंज मिर्जापुर एवं गुरुमीत कौर निवासी मिर्जापुर के वाहन के एवज में 18,95,562 रुपए, गंगा प्रसाद यादव निवासी घुमा त्योथर के जब्त शुदा वाहन के एवज में 3,50,000 रुपए, अनुराग मिश्रा निवासी एवं रावेंद्र मिश्र संदीप कुमार मिश्रा निवासी घूम तथा मुकेश कुमार तिवारी निवासी मणि हरिवंश प्रसाद यादव निवासी राजगढ़ सिरमौर के जब्त शुदा वाहनों के एवज में 1,00,000 रुपए, सुनील कुमार सिंह निवासी मिर्जापुर के जब्त शुदा वाहन के एवज में 5,62,871 रुपए तथा दयावंश पटेल निवासी हनुमना के जब्त शुदा वाहन के एवज में 32,400 रुपए का अर्थदंड राशि कलेक्ट्रेट एवं जिला दंडकारी द्वारा अधिरोपित की गई।